सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम केयर्स फंड से अब तक कोरोना की लड़ाई में 3100 करोड़ रुपए की मदद की गई है। इनमें से 2000 करोड़ रुपए का वेंटिलेटर खरीदा गया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 50,000 वेंटिलेटर की खरीद की गई, जो आजादी के बाद सबसे बड़ी खरीद है। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 100 करोड़ रुपए वैक्सीन रिसर्च के लिए दिया गया। पीएम केयर्स फंड पब्लिक ट्रस्ट है और इसके हेड प्रधानमंत्री है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अब तक पीएम केयर्स फंड से 3,100 करोड़ रुपए कोरोना से लड़ाई के लिए दिए गए हैं, जिनमें 2,000 करोड़ रुपए सिर्फ वेंटिलेटर को दिए गए। 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड के द्वारा दिए गए पैसों से उपलब्ध कराए गए हैं। जो आजादी के बाद के आज तक के इतिहास के हाईएस्ट है, 50,000 वेंटिलेटर्स प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ इमरजेंसी नीड्स ऑफ कोरोना पेशेंट्स is the highest since independence as far as ventilator provisions are concerned. लगभग 1000 करोड़ दिए गए हैं राज्यों को, जो हमारे प्रवासी मजदूर आए उनकी व्यवस्था करने के लिए, और लगभग 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के अनुसंधान में मदद के लिए। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।